टुनटुनी बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती, वो अंधी है। मगर टुनटुनी बचपन से ही ऐसी नहीं थी, बचपन में वो देख सकती थी। लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। शहर के जंगल जाते समय रास्ते में उसे एक हेलीकॉप्टर ने टुनटुनी को जोर से धक्का मार दिया और टुनटुनी के सर के पीछे वाले हिस्से में चोट लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, देखिए आपकी बेटी तो बच जाएगी लेकिन वो कभी देख नहीं पाएगी क्योंकि उसके दोनों आंखें खराब हो गई है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अंधी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीतता है और टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई है, मगर वो ठीक से खुद का भी काम नहीं कर सकती। उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहती है। उसके पिता का एक दुकान था और उसी से उनका घर चला करता था। टुनटुनी के माता पिता का बस एक ही चिंता है, सुनिए जी हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ माधुरी, वो तो ठीक है लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। हमारे पास तो एक ही दुकान है, उसे गिरवी रखना पड़ेगा। इस तरह माधुरी और चंपक चिड़ा टुनटुनी की शादी को लेकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि टुनटुनी ये सब सुन लेती है। वो छड़ी के सहारे रास्ता नापते हुए अपने माता पिता के पास जाती है और बोलती है, माँ दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए आप दुकान क्यों गिरवी रखोगे? बेटी हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा भला हो। शादी तो हम तुम्हारी करवा के ही रहेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अगले दिन चंपक चिड़ा दुकान गिरवी रख सारे पैसे घर ले आता है और टुनटुनी की शादी के लिए 10 लाख रुपए दहेज देने का ऐलान कर देता है। ये खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। अरे कालू भाई, तुम्हें पता है उस अंधी टुनटुनी से जो शादी करेगा उसे दहेज में 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगले दिन टुनटुनी के लिए एक रिश्ता आता है। टुनटुनी चिड़िया अंधी होने के बावजूद भी उनके लिए मिठाई ले आती है। उसकी शादी पक्की हो जाती है। चंपक चिड़ा लड़के की माँ को दहेज में 10 लाख रुपए दे देता है और कुछ ही दिनों में टुनटुनी और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। टुनटुनी ससुराल चली जाती है। पहले के तो 2-3 दिन अच्छे से गुजरती है, मगर उसके बाद वाले दिन उसकी सास टुनटुनी से कहती है, बहू जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। लेकिन माँ जी मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो क्या तुझे सर पे बैठा लूँ? तभी वहाँ पर टुनटुनी की ननद चमेली चिड़िया आती है और कहती है, भाभी भूल मत जाना कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो हमेशा आराम करती रहोगी। यहाँ रहना है तो घर का काम तो कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं चमेली, मैं आराम नहीं करती, वो तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, वरना काम करने से मुझे कोई एतराज नहीं है। अब उसकी सास चिल्लाना शुरू करती है, चुप रह कर अंजलि कामचोर, कहीं की हमेशा अंधी होने का फायदा उठाती है, जो बोल रही हूँ चुपचाप कर वरना घर से मार मार के दफा कर दूंगी। ये सुन टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। डर के मारे वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से जाती है और अपने सास के कमरे में झाड़ू लेकर सफाई करना शुरू करती है। लेकिन टुनटुनी को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही सफाई करते करते झाड़ू टेबल से टकरा जाती है और उसमें रखा हुआ फूलदानी जमीन पर गिरने की वजह से टूट जाता है। फूलदानी की टूटने की आवाज सुन उसकी सास और ननद आती है और कहती है, हाय हाय सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया मेरा मनपसंद फूलदानी, तोड़ दिया, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका दिनों दिन नाटक बढ़ता ही जा रहा है। टुनटुनी रोते रोते माफी मांगने लगती है, माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था यहाँ कुछ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है ना, मैं अंधी हूँ। फिर से वही बात, माँ भाभी ऐसे नहीं सुधरेगी। और फिर माँ और बेटी मिलकर टुनटुनी को बहुत ही मारते हैं, जिससे टुनटुनी रो पड़ती है। उसी रात जब बंटी कबूतर घर लौटता है तब टुनटुनी उसे सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर भी बंटी कबूतर अपनी माँ और बहन की ही तरफदारी करता है। टुनटुनी समझ जाती है उनका पूरा परिवार ही ऐसा है। उसके बाद से ही हर रोज टुनटुनी के ऊपर अत्याचार हो रहा था। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर अपनी माँ से कहता है, माँ आपने दहेज के लिए शादी करने को बोला था, मैंने कर लिया, मगर मैं कुहू चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ। मुझे पता है बेटा, मगर उससे पहले इस टुनटुनी का कुछ करना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आता है जिसे वो अपने बेटे बंटी कबूतर को बताती है, जिसे सुन उसका बेटा बहुत खुश होता है। और अगले दिन बंटी टुनटुनी को आंखों के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने किसी दूर के जंगल में ले जाता है। वो जंगल बिल्कुल वीरान था, वहाँ कोई भी पक्षी नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया को कुछ अजीब सा लग रहा था और वो बोलती है, ये आप मुझे कहाँ ले आए, यहाँ आसपास कोई भी पक्षी नहीं है क्या?
नहीं तुम चिंता मत करो टुनटुनी, आज तुम्हारे आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर बंटी वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी अकेली सुनसान जंगल में बीचों बीच खड़ी रहती है। सुबह से शाम हो जाती है इंतजार करते करते, मगर बंटी कबूतर का कोई भी अता पता नहीं था। टुनटुनी समझ जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे पता है मेरा पति मुझे यहाँ से छोड़कर भाग गया है, मैं अंधी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ पर बूढ़ी कबूतरी आती है और टुनटुनी से कहती है, बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। टुनटुनी चिड़िया के पास मात्र कुछ भोजन ही बचे हुए थे, मगर उस बूढ़ी कबूतरी की दर्द भरी आवाज सुन उस पर उसे दया आ जाती है और वो उसे अपना भोजन दे देती है। और अचानक एक चमत्कार हो जाता है, वो बूढ़ी कबूतरी जंगल की देवी में बदल जाती है। टुनटुनी, मैं जंगल की देवी हूँ, मैं बूढ़ी कबूतरी के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने अपना सब कुछ खो दिया, तेरे पास सिर्फ भोजन ही बचे हुए थे, वो भी तूने मुझे दे दिया। मैं प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? देवी मैं अंधी हूँ, दया करके मेरी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। जंगल की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई चश्मा प्रकट करती है और टुनटुनी को दे देती है। टुनटुनी ये जादुई चश्मा है, इसे पहनते ही तुझे सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अरे ये क्या, मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा, ये टुनटुनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो खुशी के मारे झूम उठी। जंगल की देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। टुनटुनी जंगल की देवी को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी अगली सुबह अपने ससुराल पहुँचती है, लेकिन वहाँ जाकर टुनटुनी देखती है कि बंटी ने कुहू नाम की चिड़िया से शादी कर ली थी। टुनटुनी को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। अरे तू कहाँ से वापस आ गई, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना? हाँ हाँ तू अंधी है ना, इतने घने जंगल से तू वापस कैसे लौट आई? ये सब सुन टुनटुनी चिड़िया हंसते हुए कहती है, मुझे पता है तुम सब मुझे मारना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए तुम सभी ने मुझे इस घर की बहू बनाया है, लेकिन मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ, अब मैं तुम सभी को मजा चखाऊंगी। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। तभी चमेली चिड़िया बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हम चारों को हरा सकती हो? हाँ हाँ हाँ। तभी बंटी कबूतर की नई पत्नी कुहू चिड़िया बोलती है, मैं समझ गई हूँ कि ये कैसे देख पा रही है, कहीं से इसे ये चश्मा मिल गया है, इसी की वजह से ये देख पा रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, पहले तो ये चश्मा नहीं था। बेटा इसका चश्मा निकाल लो, बाद में हम चारों मिलकर इसे मार देंगे और इसके घर वालों को बोल देंगे कि टुनटुनी किसी और के साथ भाग गई है। बंटी टुनटुनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। टुनटुनी ने खुशी के मारे ये सोचा ही नहीं था कि वे सब इसे यहाँ भी मार सकते हैं। टुनटुनी डर जाती है। चारों के चारों टुनटुनी को मारने के लिए तैयार हैं, तभी एक चमत्कार हो जाता है। टुनटुनी की जादुई चश्मे से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और उस रोशनी से चारों के चारों भस्म होने लगते हैं। हाँ बचाओ हमें, कोई बचाओ बचाओ। ऐसे ही दर्द से तड़पते तड़पते चारों का खेल खत्म हो जाता है। टुनटुनी को इंसाफ मिलता है, उसने नहीं सोचा था कि उसका जादुई चश्मा ऐसा भी कर सकता है। वो मनी मन जंगल की देवी को धन्यवाद देती है और उसके बाद वो अपने मायके लौट जाती है। वो अपने माता पिता को सब कुछ बता देती है। टुनटुनी के माता पिता उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने जादुई चश्मे के सहारे खुशी खुशी रहने लगती है।